दोस्तों हम आप लोगों को नैनीताल में नैनी झील में बोट राइड करने के लिए लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं, सोना, मेरी क्यूटी पाई, हम तीनों लोग जा रहे हैं नैनीताल में नैनी झील के पास बोट राइड करने के लिए। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं पहाड़ों के नज़ारे और पहाड़ों में बादलों के नज़ारे आप लोग देख सकते हैं, कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं नैनीताल में। तो ये बैठी हैं सोनम और हमारी क्यूटी पाई, ये आप लोग देख सकते हैं। कैसा लग रहा है बेटा? इसको तो मजे आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ये देखो, वैसे रोती थी उस पे बैठी थी, हाथी पे पहले, तब तो रोती थी। और ये देखो नैनी झील है, आप लोग देख सकते हैं। और ये बाबा है हमारे साथ जो हमें राइड करा रहे हैं। तो ये नैनी झील बोलते हैं इसको, है ना? सर मत बोलो, आपसे छोटा ही हूँ मैं। और ये देखो गाइस नैनीताल की ये व्यू। तो अंकल, ये बाबा काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप देख ही रहे हो। तो ये चीज़ होती है, और यहाँ पे लोग आते हैं और पैसे में अटपटी करते हैं। ऐसा तो खैर कोई दिक्कत है नहीं अंकल, यहाँ पे टिकट बनी हुई है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो ज़्यादा कोई झंझट होता ही नहीं होगा। हाँ, पर अंकल वो नहीं है मोटर राइड, बोट बोट नहीं है ना? हाँ, अच्छा, और वो उससे गंदा होता रहता है। हाँ, इस उधर से आप लोग जो देख रहे हैं वो तो ठंडी सड़क है, और ये जो मंदिर है पारसा देवी मंदिर, और ये ऊपर कौन सा मंदिर है? ये हनुमान जी मंदिर है, पाषाण देवी मंदिर है ये वाला जो आप लोग देख रहे हो। और इधर साइड में है नैना देवी का मंदिर, वो आगे है, ठीक है। हाँ, और इधर साइड में ये है माल रोड है, ये आप लोग जो देख रहे हैं इधर साइड में ये माल रोड है। तो यहाँ पे आप लोग नाइट में घूम सकते हो माल रोड पे। तो ये अंकल कितने बजे तक खुली रहती है माल रोड? 9-10 बजे तक। तो ये है भाई व्यू, आप देख ही रहे हो। इसको तो अच्छा लग रहा है अभी। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को बोट मिल जाती है जो आप लोग देख रहे हैं पीछे। तो यहाँ पे आप लोग बोट राइड कर सकते हैं, और 420 रुपये का फुल चक्कर होता है, और 320 का आप लोगों का हाफ चक्कर रहता है। तो यहाँ पे ये रेट लिखे रहते हैं, कोई भी आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। तो यहाँ पे एक बोट आप लोगों की बुकिंग हो जाती है, उसमें आप लोग चाहे दो लोग बैठो चाहे तीन लोग बैठो, तो यहाँ पे आप चाहे एक लोग बैठो, तो यहाँ पे 320 रुपये और 420 रुपये के हिसाब से आपसे जो है रेट लिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग आते हैं नैनीताल में, तो इस नैनी झील में आप लोग बोट राइड जरूर करिए, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइस ये जो मैं आगे चल रहा हूँ, और ये जो लोकेशन है आप लोग जो देख रहे हो ये माल रोड है, और ये पूरी आप लोगों को नैनी झील के बगल में मिल जाएगी, और इसको ही बोलते हैं माल रोड। तो यहाँ पे आप लोग विजिट ज़रूर करिए, ठीक है। और आप लोग बाहर की अपनी गाड़ी लेके आते हैं तो यहाँ पे आपको 120 रुपये के हिसाब से, सॉरी 110 रुपये के हिसाब से आपसे टोल दिया जाएगा, और फिर आप लोग गाड़ी अंदर लेके जा सकते हो। और नैनी झील के बगल में ही आप लोगों को और भी जो मिल जाएंगे ये मंदिर वगैरह छोटे छोटे, और ये घंटे वगैरह हैं, ये इस तरीके से हैं व्यू। और ये देखो नैनी झील, और यहाँ पे बैठने के लिए व्यवस्था है लोगों के लिए जो यहाँ पे बैठे हुए हैं जो आप लोग देख रहे हो। और इधर साइड से ये व्यू है, आप लोग देख ही रहे हो। तो यहाँ पे ओवरऑल आप लोग आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, एक आप लोगों को सुकून मिलेगा, और एक अलग ही जो वाइब है वो यहाँ पर मिलेगी, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो। ये देखो पूरा नैनी झील काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ये हमारी क्यूटी पाई और सोनम यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो गाइस वो आप लोग उधर साइड में जो देख रहे हो एरिया, वो है तल्लीताल, ठीक है, ये वाली एरिया। और ये जो पूरी एरिया आप लोग देख रहे हो ये है मल्लीताल, ये जो आप लोग देख रहे हो ये पूरी एरिया इधर साइड में मल्लीताल आती है। और गाइस एक और बात है, यहाँ पर माल रोड पर आप लोग नाइट के टाइम पर आइए तो माल रोड पे नाइट के टाइम का जो व्यू है ना वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, अगर आप लोग नाइट के टाइम पे माल रोड को घूमने के लिए आते हैं। तो अभी मैं नैनीताल जो ताल है झील के पास बगल से रोड निकली है, तो इसके बगल के रोड से होते हुए मैं जा रहा हूँ। तो गाइस चलो मैं आप लोगों को ले कर चलता हूँ फटाफट से आगे, और पूरा जो माल रोड है मैं कवर कर लूँगा। आप लोग आते नैनीताल उस माल रोड को भी आप कवर ज़रूर कीजिए। अब ये हमारी क्यूटी पाई भी आ चुकी है हमारे साथ, अब ये भी घूमेगी। हाँ, कहाँ पे जा रहे हैं अपने तुम?
माल रोड पे, माल रोड पे घूमने जा रहे हैं शॉपिंग करने, है ना बेटा। ये 200 रुपए के माल रोड पे मिल रहे हैं। गुड़िया पहन भी लेंगी इसी दिन, यहाँ टेम्परेचर आपको यहाँ जरूरत पड़ेगी इनको गुड़िया को पहनाने की ना। जो बनी हुई है ना मैम, तो ये ले लिए मैंने अपनी क्यूटी पाई के लिए, ये कपड़े ले लिए, ये देखो ये कपड़े ले लिए अपनी क्यूटी पाई के लिए, और सोनम ने ले लिए दो, क्या ये कुर्ती, और ये पहना दिया इसको, ये चिल्ला रही है देखो। ये कैसे रखी साइकिल, ये 8 बजे मिलेगी आपको, मतलब ये चला लेने के लिए है। कितने रुपए लगते हैं इसके? ये भैया 100 रुपए का आधा घंटा, आधा घंटा, अच्छा घंटे के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को खाने पीने वाली चीज़ें भी मिल जाएंगी मॉल रोड पे, तो यहाँ पे थोड़ी कॉस्टली हैं क्योंकि नैनीताल है ये, इसलिए कॉस्टली मिलेंगे, तो यहाँ पे आप लोग खा सकते हो। और ये पूरा मॉल रोड है यहाँ पे, तो अभी दिन है तो इसकी वजह से यहाँ पे आप लोगों को इतनी ज़्यादा भीड़ देखने के लिए नहीं मिल रही है, लेकिन जैसे ही नाइट होती है तो यहाँ पे इस रोड पे 4 चांद लग जाते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे भीड़ देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों मॉल रोड पे आप लोगों को ज़्यादातर जो कपड़े हैं वो मिलेंगे, और यहाँ पे कैंडल वगैरह हैं वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। और गाइस ध्यान रखना, आप लोग पर्सनल कार को अगर मॉल रोड पे खड़ी कर देते तो इस तरीके से आप लोग की जो कार है लॉक कर दी जाएगी। और ये जो कार है वो आप लोग यहाँ पर देखिए, ये हरियाणा की कार है, HR नंबर है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर ये गलती मत करना, मॉल रोड पर आप लोग कार को ले कर मत आइए। सो गाइस हम मॉल रोड से जो है आ चुके हैं यहाँ पे, और ये जो रास्ता है इधर से आप लोग निकलेंगे नैना देवी मंदिर के लिए। यहाँ पे आप लोग अमर उजाला ग्राउंड के पास भी और फुटबॉल ग्राउंड के पास भी यहाँ पे ये पार्किंग मिल जाती है, यहाँ पे आप लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हो। ये देखो, तो ये है जो आप लोग देख रहे हो फुटबॉल ग्राउंड, आप देख सकते हो इधर गाड़ियाँ की पार्किंग होती है, ये जो देख रहे हो आप लोग। और ये अमर उजाला के पास ही है फुटबॉल ग्राउंड, तो यहाँ पे भी आप लोग आ सकते हो और फुटबॉल वगैरह यहाँ पे खेल सकते हो, ये टीम वगैरह आती है फुटबॉल खेलने के लिए, तो यहाँ पे आप लोग फुटबॉल खेल सकते हो। तो अब चलेंगे आगे मंदिर के लिए, ये इधर मस्जिद है जो आप लोग देख रहे हो। तो गाइस ये है श्री माँ नैना देवी मंदिर, और आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। और इधर साइड में बाहर मार्केट है पूरी, जहाँ पे आप लोग कोई भी सामान वगैरह यहाँ से खरीद सकते हो, ठीक है। और ये है यहाँ का व्यू, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लोग आ रहे हैं और फोटो वगैरह यहाँ पे सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मंदिर परिसर के अंदर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी रील बनाना निषिद्ध है, ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो यहाँ पे रील्स वगैरह फ़ोटो वगैरह अंदर नहीं बना सकते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं बाहर मार्केट है, जहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे कपड़े जो है मिल जाएंगे, और यहाँ पे कपड़ों की सेल लगती है 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये, इस तरीके से सेल लगती है। तो यहाँ पे आप लोग 100 रुपये, 200 रुपये में अच्छे क्वालिटी के कपड़े यहाँ पे आप लोग आके खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे लोग मार्केट करने के लिए भी आते हैं, तो यहाँ पे नैना देवी मंदिर में आ रहे हैं, तो आप लोग मार्केट यहाँ की ज़रूर करके जाइए, आपको काफ़ी अच्छे और अच्छे क्वालिटी कपड़े मिलेंगे। और इधर साइड में आप लोगों को रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जगह जगह, तो ये लगातार दुकान यहाँ पे बनी हुई है, रेस्टोरेंट बने हुए हैं, तो यहाँ पे आप लोग खाना पीना यहाँ से खा सकते हो। और यहाँ पे जो थाली है वो आप लोगों को 100 रुपये से लेके 150 रुपये, 200 रुपये के हिसाब से आपको जो है थाली यहाँ पर मिल जाएगी। कितने कितने की है ये? तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग नैना देवी मंदिर में आते हैं तो इधर बगल में ही आपको गुरुद्वारा भी मिल जाता है, तो यहाँ पे काफ़ी लोग गुरुद्वारा में भी जाते हैं। आप नैना देवी मंदिर में दर्शन करके जब नाइट में आप लोग निकलेंगे मॉल की तरफ, तो ये आप लोगों को भीड़ देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पे आप लोग सामने जो पहाड़ी हैं वहाँ पे लाइटों का जो नज़ारा है वो आप लोग यहाँ पे चेक करो, कितना ज़्यादा प्यारा आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग नाइट में आइए और ये नज़ारा आप लोग मिस मत करना, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइस यहाँ पे अगर आप लोग आते हो नैनीताल में, तो आप लोग नाइट के टाइम पे यहाँ पे ज़रूर आइए, जो नैनी झील है तो यहाँ पे ज़रूर आइए। और नाइट के टाइम पे आइए तो यहाँ पे आप लोग जो माल रोड है, तो यहाँ पे ये खूबसूरत आप लोगों को नज़ारा है,
वो देखने के लिए मिलेगा। ये देखो गाइस, ये नज़ारा मिलेगा आप लोगों को नैनी झील के पास। और ये देख सकते हैं जगमगाती हुई लाइटें, देख रहे हो कितना ज़्यादा प्यारा व्यू है। और भाई ये आप लोगों को डे में नहीं मिलेगा, और पूरी की पूरी जो मॉल रोड है उसका भी नज़ारा खूबसूरत हो जाता है नाइट में, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इधर साइड में जो लोग आए हुए हैं अपने फ़ोटो और वीडियो यहाँ पे निकाल रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो। ये है अब नाइट का मॉल रोड का व्यू जो आप लोग देख रहे हो। अब लग रही है एकदम नंबर एक की मॉल रोड, आप लोग देख ही रहे हो। यहाँ पे आप लोग आएंगे तो आप लोग वॉक करके ही जाइए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप लोग वैसे जाएंगे तो इतना आप लोगों को ज़्यादा अच्छा नहीं फील होगा, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि नाइट के टाइम में आप लोग आए वॉक करते हुए, तो आप लोग के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि नाइट के टाइम पे जो यहाँ का व्यू मिलेगा वो एकदम औसम रहेगा, और आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगेगा। तो मैं जा रहा हूँ और साथ में हमारी क्यूटी पाई है, वॉक करते हुए जा रहे हैं आगे की ओर, ठीक है। डे में दिखाया था तो इतना ज़्यादा यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन नाइट में यहाँ का जो व्यू है एकदम औसम हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये कैंडल मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोग ये कैंडल ले सकते हैं। और टूरिस्ट आते हैं ज़्यादातर तो वो यहाँ से कैंडल लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉल रोड पे कैंडल फेमस है, तो आप लोग यहाँ पे कैंडल लेके ज़रूर जाइए। तो गाइस यहाँ पे मॉल रोड पे आप लोग जो है 8 बजे तक जो अपनी गाड़ियाँ लेके अंदर नहीं जा सकते हैं, जैसे ही 8 बजते हैं 8 बजे के बाद फिर आप लोग अपनी पर्सनल जो व्हीकल है वो आप अंदर लेके आ सकते हो। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके का माहौल बना हुआ है, और गाड़ियाँ हैं जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। तो ये जो पर्सनल गाड़ियाँ हैं वो आ रही हैं, क्योंकि मॉल रोड पे जो है पहले तो 8 बजे से पहले किसी को परमिशन नहीं होती है अंदर जाने की, जैसे ही 8 बजने के बाद होते हैं फिर आप लोग अपनी पर्सनल गाड़ी हो कैसी भी गाड़ी हो अंदर लेके आ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना अगर आप लोग आते हो अपनी पर्सनल गाड़ी से नैनीताल के अंदर, तो नैनीताल में भी आप लोग को अंदर जाने से रोकेंगे, और इसके बाद अंदर आ भी जाते हो तो मॉल रोड पे आप लोग गाड़ी को अंदर लेके नहीं जा सकते हो, और 8 बजे के बाद फिर आप अंदर लेके जा सकते हो। आप लोग घूम सकते हो, फिर सकते हो, चिल कर सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों मॉल रोड पे घूमते घूमते अब हम निकल रहे हैं अपने रूम के लिए, तो आप लोगों को मॉल रोड का जो व्यू है नज़ारा है वो काफ़ी ज़्यादा औसम लगेगा नाइट में। और यहाँ पे आपको लकड़ी के जो आइटम हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग लकड़ी के भी आइटम ले सकते हो। खैर गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं फिनिश करता हूँ, आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। दोस्तों ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग कर दीजिए एक लाइक और शेयर, और ऐसे ही हमारे और ब्लॉग देखने के लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर इसी तरीके के ब्लॉग अपलोड करता रहता हूँ। खैर गाइस अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग को अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।